पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम डाइवोर्स के योगों की चर्चा करेंगे। आज के तारीख में पहले तो माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं बच्चों की शादी सगाई के लिए। जिनके बच्चे अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं उनको भी उनके योग्य जीवन साथी जल्दी नहीं मिल पाता है, क्योंकि सबकी एक अपनी पसंद होती है। सबको एक अपना ये होता है कि हम ये पढ़े तो हमारे हिसाब से ऐसे एजुकेशन वाला मिले, किसी को नौकरी करनी होती है, किसी को, हर किसी का अपना अपना एक ये होता है। तो आजकल बहुत ही इम्बेलेंस हो चुका है। तो मैरिज पहले तो होने में बहुत दिक्कतें होती है, और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है डाइवोर्स की। आज के तारीख में बहुत ज़्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं और लाखों केस पेंडिंग में चल रहे हैं। तो डाइवोर्स की ओर कैसे देखें, और पहले तो हमारा दिखाने का तरीका भी कहीं थोड़ा गलत हो जाता है। हम लोग कई बार क्या करते हैं, कंप्यूटर की दुकान में जाते हैं, वहाँ पे 50 रुपया देते हैं और प्रिंटआउट निकाल के बोलते हैं कि भैया यार शादी कर सकते हैं। सामने वाला जो इंसान है वो ज्योतिष नहीं जानता है, सामने वाला इंसान है उसकी कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ आपको उसमें लिखा हुआ होता है इतना गुण मिला कर सकते हैं वो बता देगा। एक सिंपल है उसमें कि 36 गुण में से अगर 18 गुण से ज़्यादा मिल रहे हैं तो आप शादी कर सकते हैं। टोटल 36 गुण होते हैं पति पत्नी में, तो वो तो इतना बता देगा। लेकिन हमारी गलती ये हो रही है कि खाली गुण मिलाने से ये नहीं होगा, क्योंकि अगर 36 में से आपके 30, 32, 34 गुण भी मिल रहे हैं और अगर कुंडली में डाइवोर्स होगा तो डाइवोर्स होगा ही। कुछ उपाय है शास्त्रों में और अब कुछ उपाय है, लेकिन वो भी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग डाइवोर्स योग है तो वो ख़त्म नहीं होते, ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन कुछ हद तक कुंडलियों में जो शास्त्रों में उपाय बताए हैं वो करने से कई जगहों पे डाइवोर्स अटक भी गया है, ऐसे भी कई सारे केसेस है। तो पॉजिटिविटी भी है, 50% चांसेस है, लेकिन पहले तो हमें कुंडली देख के एनालाइज कराना चाहिए यहाँ पे हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली। कुछ लोग आ जाते हैं राशि से, खाली राशि लेके क्या फोन आ जाते हैं कि भाई राशि से मिला दो। कुछ लोग मिलाते भी है, इसलिए लोग युग में ये ट्रेंड चला है, लेकिन एक्चुअली में ये है कि जो मिलान होता है राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं और उस नक्षत्र में से चरण के ऊपर से मिलान होता है, बहुत डीप है ये। तो खाली राशि से मिलान पॉसिबल ही नहीं है, वो आधा अधूरा मिलान करोगे तो उसका कुछ होने ही वाला नहीं है। प्रॉपरली दोनों लड़का और लड़की की जन्म तारीख जन्म समय की जरूरत होती है। अब दूसरी बात कि अगर हम आज एग्जांपल कुंडली में भी इस वीडियो में हम मेष लग्न लेंगे कि मेष लग्न में किस तरह डाइवोर्स योग फॉर्म हो सकता है। सबसे पहले तो ज़्यादातर लोग सातवें घर को तो हर कोई जानता है, देखना ही है सातवें घर को तो हर कोई जानता है कि पति पत्नी का दाम्पत्य स्थान होता है, इसे देखना है। लेकिन कितने लोग दूसरे घर को, चौथे घर को, आठवें घर को और 12वें घर को देखते हैं, कितने लोग इन स्थानों को देखते हैं, क्योंकि ये स्थान भी देखने जरूरी है। हमारे पास इतनी डाइवोर्स की कुंडली आती है तो सारा घर में सातवां घर बिगड़ा हुआ नहीं होता है, ये दूसरे खाने बिगड़े हुए भी होते हैं, उसका कारण है, उसके पीछे शास्त्रों में बताया गया कारण है कि आपकी गुण तो आपने मिला लिया अच्छे मिल रहे हैं लेकिन दूसरे भी कुछ कारण है। देखिए दूसरा जो स्थान है ये है कुटुंब का स्थान। शादी करके लड़की जाती है या लड़का शादी करके एक लड़की को लेके आता है तो एक उसका कुटुंब बनता है, उसका कुटुंब बढ़ता है। जिसकी कुंडली में ये स्थान बिगड़ा हुआ है ज़्यादा, इसमें नीच के ग्रह बैठे, इसके अंदर चांडाल श्रापी जैसे कुछ ज़्यादा अशुभ योग हुए हैं तो उसके कुटुंब में उससे तकरार रहेगी। बस हम देखते हैं कि आजकल छोटे मोटे लड़ाई झगड़े मतभेद होते हैं हर घर में, ठीक है एक लिमिट में होता है, वहाँ तक कंट्रोल में रहता है, लेकिन वो बढ़ जाए तो अंत होता है हर चीज़ का। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे तकलीफ देती है अगर ये स्थान बिगड़ता है, क्योंकि कुटुंब का, ये वाणी का है, जिसके यहाँ पे नीचे ग्रह होंगे उसकी उनकी वाणी बहुत खराब होगी। ऐसी लड़की अगर ऐसी लड़की है तो उनको अपनी उनकी उसकी वाणी के कारण घर में लड़े झगड़े होंगे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग बोलेगी, वो कड़वा बोलेगी, गाली गलौज करेगी। ऐसा अगर लड़का है तो वो ऐसा करेगा, वो गाली गलौज करेगा, बहुत ही कड़वे बातें बोलेगा। तो इस तरीके से अगर इसका दूसरा स्थान बिगड़ा हुआ है तो ये दिक्कत आनी है। अब चौथा स्थान, ये घरेलू सुख शांति का स्थान, यह चौथा स्थान हमारा घर कहलाता है, ये हमारा सुख का स्थान होता है। और जिसका ये स्थान ही समझो बहुत बिगड़ा हुआ है उसको घरेलू जीवन में सुख शांति नहीं मिलती है, तो उसके कारण भी घरेलू जीवन में परेशानी आती है। सातवां घर अगर ये बिगड़ा हुआ है तो मैरिज का ही स्थान है मेन, पति पत्नी का, ये तो मेन दाम्पत्य जीवन का स्थान है, ये काम का स्थान है पति पत्नी का। तो ये जो स्थान में अगर बिगड़ता है, नीचे ग्रह आते हैं ये या ज़्यादा बिगड़ता है और दूसरे कॉम्बिनेशन भी देखे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपके मैरिज में प्रॉब्लम आनी है। और समझिए कि यहाँ पे सातवें घर का मालिक कौन है, मैरिज का लॉर्ड शुक्र है, और ये समझिए यहाँ पे शुक्र नीच का हो गया और इसका नीच भंग नहीं हो रहा है तो ये हो गया एक प्रकार का डाइवोर्स। ऐसे में कोर्ट कचहरी तक भी बात जा सकती है क्योंकि छठा स्थान कोर्ट कचहरी का होता है। तो ऐसे में अगर डाइवोर्स हो रहा है तो शांति से अंडरस्टैंडिंग के द्वारा दोनों परिवारों को निपटारा कर लेना चाहिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी में कितने साल निकल जाते हैं और दोनों की लाइफ और बर्बाद होती है कि और कई साल बिगड़ जाते हैं, आगे वो दूसरी शादी करके अपनी लाइफ दोनों ही तरफ से दोनों ही दुखी होते हैं, ये भी खराब योग है। अगर आठवां घर बिगड़ता है समझिए तो ये पति पत्नी का वैधव्य स्थान होता है, पति पत्नी का वियोग का स्थान होता है, ये भी बिगड़ता है तो भी दिक्कत परेशानियां बढ़ती है, क्योंकि पति पत्नी को अलग कराएगा, पति पत्नी में ये डाइवोर्स ला सकता है, पति पत्नी को ये लड़ाई झगड़ा करके कई साल दूर रहना पड़ सकता है। ऐसे कुछ केस हम देखते हैं
वो तो और भी खराब होते हैं, जल्दी से डाइवोर्स हो गया वो भी अच्छा, कि 10-10 साल से केस चल रहा है एक इंसान के, जिसके कारण दूसरा भी अटका हुआ है। तो ये चीज आठवां घर भी यहाँ पे इसके लिए दिखाया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे बारहवां स्थान, बारहवां स्थान होता है पति पत्नी का शैया सुख का, पर्सनल लाइफ का। तो यहाँ पर भी अगर नीच के ग्रह होते हैं, बिगड़ते हैं, तो भी पति पत्नी की लाइफ में डिस्टर्बेंस लाते हैं। ऐसे में जरूरी नहीं एक योग है तो डाइवोर्स होगा ही, लेकिन अगर ऐसे कुछ योग मौजूद है, एक से ज्यादा जो मैंने इतने भाव बताए, तो फिर मैरिज में कुछ दिक्कतें तो आनी है। ऐसे में सबसे बड़ी चीज अगर आपको कोई बचा सकती है तो ये आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ भी दिक्कत है, तो भी दोनों के तरफ से कोशिश करके दोनों लोग ईगो छोड़ के झुक के अंडरस्टैंड करके आगे बढ़े, तो यही तरीका है सबसे बड़ा बचने का। और दूसरा, एग्जैक्टली कौन सा स्थान बिगड़ा है, इनसे एग्जैक्टली कौन सा ग्रह बिगड़ा है, तो उसका उपाय करने से भी आपको मदद मिलेगी। समझिए यहाँ पे सूर्य नीच के है तुला राशि में, तो भी दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। समझिए यहाँ पे चंद्र नीच के है और इनका नीचगम नहीं हो रहा। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, खाली इतना देखने से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका नीचभंग अगर हो जाता है, कई बार कुंडली में जो दोष पैदा था उसका तोड़ कुंडली में ही आ जाता है, तो फिर घबराने की बात नहीं होती है। समझिए यहाँ पे मंगल आ गया है। और दूसरी बात कि अगर किसी को मंगल है तो सामने वाले को भी मंगल होना जरूरी है, क्योंकि मंगल वाला ज्यादा लावणी प्रदान होता है, उसके एक्सपेक्टेशन बहुत हैवी होते हैं, और जो नॉन मंगल होता है तो दोनों का खसारा हो जाता है, क्योंकि मंगल वाला हर छोटी छोटी बात में बहुत एक्सपेक्टेशन रखेगा, पुरानी बात निकाल के दुखी होगा, बहुत लागनी से रहेगा और उसे गुस्सा भी आएगा, क्योंकि वो हर चीज़ सामने वाले को लुटाने के लिए तैयार रहता है मंगल वाला, और वो एक्सपेक्ट भी उतना ही करता है। और सामने वाला अगर मंगल वाला नहीं है तो उतना उससे नहीं होता है कि सामने वाला बर्थडे भूल गया तो वो भड़केगा, सामने वाला एनिवर्सरी भूल गया एक पात्र हस्बैंड वाइफ में तो दूसरा भड़केगा कि मैं तो सब याद रखता हूँ, मैं तुम्हारा ज़्यादा केयर करता हूँ, तुम केयर कम करते हो। तो ये चीज़ मंगल में आती है, मंगल जो हम मंगल इसीलिए देखते हैं, फिर उससे लड़ाई झगड़े होते हैं, मंगल उग्र ग्रह है और कई बार टूटने का कारण भी बनता है मंगल, इसीलिए मैरिज में। तो इस तरीके से अगर है तो आपको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे बुध है ये नीच का हो जाता है, कई कॉम्बिनेशन होते हैं। समझिए यहाँ पे सूर्य के साथ राहु आ गया तो भी यहाँ पे ये तकलीफ देगा, तो भी यहाँ पे ये डाइवोर्स का कारण बनेगा, यहाँ पे मंगल के साथ राहु आ गया तो भी ये दिक्कत का कारण बनेगा। ऐसे कई योग हैं कि ये मैरिज में आपको तकलीफ देंगे। यहाँ पे भी समझिए कि मंगल के साथ राहु आ गया तो भी वो लड़ाई झगड़ा पैदा करेगा, मंगल राहु आ जाएगा तो, क्योंकि और वैसे भी मेष लग्न जो है वो गुस्से वाले होते हैं, उनका गुस्सा ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले उनको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान आप ये अगर एक्सप्लोजन करोगे तो सामने वाले भी रिएक्शन तो देगा ही, तो उससे और ज़्यादा लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होगी। इसलिए मेष लग्न वालों को अपने गुस्से पे तो सबसे पहले काम करना चाहिए। ये हुई इस कुंडली की बात। मेष लग्न में हमने डाइवोर्स योगों की चर्चा की, जनरल हमने बेसिक पॉइंट समझाया इसमें, अगले दूसरे लग्नों के ऊपर भी हम इस तरह वीडियो बनाएंगे कि डाइवोर्स योग किस तरह होंगे, पर एक बेसिक जनरल आप ध्यान रख सकते हो। इसी तरह भारत समेत अनेक देशों से लोग हमारे कार्यालय में कुंडली दिखाते हैं, आप भी दिखा सकते हैं फ़ोन पर अपॉइंटमेंट बुक करके, हमारी फीस ट्रांसफ़र करके फ़ोन पर अपॉइंटमेंट बुक होती है, इस तरह आप भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं।